हेलो फ्रेंड्स, क्रिया के डे 5 के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? तो पहला सही है, सभी पद कहलाते हैं। अभिकारी शब्द को अव्यय कहते हैं, भी सही है। क्रिया की विशेषता होना क्रिया का विशेषण कहलाता है। सभी क्रिया पद अव्यय होते ये कोई जरूरी नहीं है, डी इसका गलत होगा। क्वेश्चन सेकेंड है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो कौन सी क्रिया जिसमें अकर्मक का प्रयोग किया गया है? मजदूर गहरी नींद में सो रहा है, कौन सो रहा है? मजदूर, पूरा प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है। क्वेश्चन थर्ड है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया नहीं है यानी कि बाकी सारी सकर्मक है, एक अकर्मक है। तो कौन सी अकर्मक होगी? बालक रो रहा है में सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए यही अकर्मक है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? कौन सी वाक्य, मतलब एक क्रिया है जो सकर्मक है, वो कौन सी है? तो इसमें सकर्मक क्रिया है, सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी क्या है? अकर्मक है, जिनका प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ रहा है। क्वेश्चन फाइव है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक किस में है जिसका प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ रहा हो? तो मोहन थककर सो गया में किस पर प्रभाव पड़ रहा है? मोहन पे, इसलिए ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन सिक्स है, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? पूर्वकालिक में एक काम खत्म होकर दूसरा स्टार्ट होने वाला होता है, ऐसा आंसर सी में दिया गया है। खाना खाकर काम पर जाओ, यानी एक तो खाना खाओ फिर काम पर जाओ, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेवन है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जब किसी को आज्ञा दो या किसी से काम करवाओ, प्रेरणार्थक। तो मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एट, पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? पूर्वकालिक में मैंने अभी जस्ट बताया, एक काम खत्म होकर दूसरा काम होने वाला होता है, तो वह नहाकर पूजा करेगा, यानी नहाने के बाद पूजा करेगा, दो काम हो रहे हैं, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए। सही कथन कौन सा है इनमें से? इसमें से एक ही कथन सही है, बाकी तो सारे गलत है, आप स्टॉप करके भी पढ़ना। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो कृतवाच्य कहलाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी और सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कौन सा शब्द जोड़ने पर यह सकर्मक हो जाएगी? सकर्मक के लिए क्या का आंसर आना चाहिए? क्या पढ़ रही है, तो क्या पढ़ेगी? समाचार पत्र, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अकर्मक क्रिया वह होती है जिसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, और सकर्मक क्रिया वह होती है जिसका प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है, ठीक है, जो कर्म की विशेषता बतलाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें।